को दुबई तशरीफ लेकर चले गए हैं और आपको पता ही है कल हमने आपको बताया था कि जरदारी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये जो कहता है कि जी बाबे जो है उनको साइड पे बैठना चाहिए तो ये इन एक्सपीरियंस है बिलावल का बिलावल जो है सीख जाएगा अच्छा अब जब ये दुबई गए हैं तो मीडिया जो है उसके सामने जो है वो बड़े सवाल आ गए हैं तो उन्होंने जब पी, पी से सवाल किए तो पी के हर जो ऑफिस होल्डर है उसने इस चीज़ को डिफेंड किया पी के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी ने कहा जी कि यह कोई सडन डिपार्चर नहीं है ये तो उनका जो था वो था

और जो कुछ फैसिलिटीज उसको दी जा रही हैं वो फाइव एंड बाय टेन का जो सेल है वो फैसिलिटीज हैं माई भाई आप प्लीज आपको फैसिलिटीज की नई जो है ना ये अब डेफिनेशन मिल गई है ठीक है हाँ जी वो कहते हैं जी उस लाडले को जो जेल में फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं जो आम कैदी जो है पाकिस्तान का सिटीजन वो तो आ, इसको सोच भी नहीं सकता है आ, वो कहते हैं जी कि जिस वक्त जुडिशरी आपकी ये कहती है नाइस एंड गुड टू सी यू जो कि आपको पता है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा था जब वो आए थे मुकदमे सुनने के लिए इमरान खान साहब तो वो कहते हैं जी जिस वक्त जुडिशरी का ये रूल होएगा कि वो एक साइड को फेवर करेगी तो आप सोच सकते हैं कि उसमें फैसले क्या होंगे जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और जुडिशरी में बहुत सारे इशूज हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है और आ, उन्होंने जो है उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि उनके बारे में क्या ख्याल है आपका उनके भी ऊपर बड़े केसेस हैं वो कहते हैं जी वो सारे के सारे केसेस बेसलेस हैं और आ, ये पहली दफ़ा जिंदगी में हुआ है हिस्ट्री में पाकिस्तान की कि, कि किसी प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई किया इसलिए कि उसने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली ठीक है भाई अच्छा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट किया है कि ये जो 65 बिलियन रुपीस का जो अमाउंट था इंक्लूडिंग रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड इन के वो उसको रजिस्ट्रार के अकाउंट में दे इन बहरिया टाउन केस Uh, इसके ऊपर बात करते हुए जिसको के हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और बेंच जो था उसमें हैं जस्टिस अमीन उद्दीन खान और अतर मिनल्ला उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये पैसा जो है ये पड़ा हुआ है यहाँ पे uh, जो है अनयूज तो इसको जो है सारे के सारे पैसे को uh, भेजना पड़ेगा जो uh, है ये जो रजिस्ट्रार का अकाउंट है Uh, उसमें uh, ये डालना पड़ेगा ताकि इसको uh, जो रजिस्ट्रार के सॉरी ऑफिस में पड़ा हुआ है उधर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उनको डेवलपमेंट के कामों के लिए ये चीज़ चाहिए हो सकती है लेकिन उन्होंने आज ये जो प्ली डाली गई थी बैरिया टाउन ने कि जिसमें उन्होंने कहा था कि रीअसेस करें आप हमारा जो लैंड का रिक्वेस्ट है कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि हमको सिक्सटीन थाउजेंड एकर सुपर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए मलिर में चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है आपको वही जो आपकी इनिशियल वो थी रिक्वायरमेंट 11,747 थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन एकर्स ऑफ लैंड अलॉट करेंगे मी डेवलपमेंट अथॉरिटी को और ये इसलिए उन्होंने जो इनकी प्ली थी बहरिया टाउन की ये इन्होंने डिसमिस कर दी और इस तरह से उन्होंने कहा जी पैसे फॉरन जो है ट्रांसफर करें गवर्नमेंट जो है जी उसको इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने जॉर्डन और इजिप्ट को कहा है कि हम वहाँ से पेलस्टीनियंस को एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं आ, करने के लिए उनका ट्रीटमेंट केयर टेकर फॉरन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने आ, को आज कॉलिंग अटेंशन नोटिस के ऊपर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पूछा गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है पेलेस्टींस की हेल्प के लिए जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हम ऑलरेडी इन टच हैं जॉर्डन और पेलस्टाइन के साथ और हम उनके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना जरूरी है इसके अलावा हम उन कंट्रीज के साथ भी इन टच हैं जो इसराइल के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी परमिशन भी ज़रूरी है uh, उन्होंने कहा जी कि इजिप्शन ने हमको कहा है कि वी हैव टू एंश्योर कि जिस किसी को भी आप ट्रीटमेंट देंगे उसमें हमास का कोई मेम्बर ना हो और पाकिस्तान ने यह तक भी कहा था कि हम एक हॉस्पिटल जो है गाज़ा के अंदर इस्टेब्लिश करने को तैयार हैं लेकिन वहाँ की हालत जो है इतनी ठीक नहीं और हम अपने लोगों की जाहिर है कि लाइफ एंड डेंजर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर जो इंडोनीजियन हॉस्पिटल था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इसराइल की बॉम्बिंग में तो ये आज सारी बातें उन्होंने कहीं चाइनीज ई वी मेकर बाइड को लिमिटेड जो है वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कुछ पोटेंशियल जो लोग हैं उनके साथ बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें इसके अंदर जो डेलीगेशन आया हुआ था इट वॉज लेड बाय शाये जियॉन्ग जू हेड ऑफ़ डीलर डिविजन साउथ एशिया ली जियन कंट्री हैड पाकिस्तान सोहेल राजपूत सेकट्री एट बोल Uh, तो वो कहते हैं जी कि ये जो बॉयड है कंपनी ये फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी है और ये बहुत सारी चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं ऑटोमोबील रेल ट्रांजिट न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स हाइब्रिड कार्स बसेस ट्रक्स बैटरी पावर्ड बाइसिकल्स फोर्क लिफ्ट सोलर पैनल्स रिचार्जेबल बैटरीज तो ये इनका बड़ा इंटरेस्ट है कि ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो अब देखेंगे कि ये अब पाकिस्तान ई सेक्टर में आगे बढ़ावा लेना चाहता है कि नहीं तो उसमें करेंगे आज जनाब हिंदुस्तान के अंदर एफ एक जो है वो लिखाई गई एक बिजनेस वुमन के लिए क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मेरा चप्पल मुंह में डालो अगर तुमको तुम्हारा सैलरी चाहिए ये एक दलित था और ये जो है यहाँ पे इसने एक एफआईआर पुलिस को कराई कि ये एक कंपनी में काम करता था जिसको के हेड करती थी विभति पाटेल जिनको के रानीबाई रानीबाबी कहते हैं और ये एक प्राइवेट फर्म रन करती हैं रानीबाई इंडस्ट्रीज तो ये नीलेश दलसानिया जो कि दलित है उसको जो है बुलाया गया काम के लिए तो उसने 16 डेज अक्टूबर के महीने में काम किया और उसको कहा गया था कि तुम्हें 12, रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसको कहा भाई तुम्हारी अब सर्विसेज हमको नहीं चाहिए तो जब अपने बड़े भाई के साथ ये इधर आया तो एक आदमी ओम पटेल जो कि विभूति पटेल का अपने आप को भाई बोलता था उसने इसको मारा पीटा बाकी भी कुछ लोग लोगों उन्होंने बेल्टों से इसको मारा फिर इसको घसीटा टेरस पे ले गए फिर वहां पर जो हैं ये पाटिल साहबा भी आ गई इन्होंने अपना जूता इसके मुंह में डाला और कहा कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुमको इसको चाटना पड़ेगा तो ये जो है इसने जी फिर जाके कंप्लेंट की पुलिस में और पुलिस ने फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया है फोर्ब्स मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन अगर आप मेरी खबरें सुनते हैं तो आज तक मैंने जो सुनाई है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है सबसे दुनिया में अमीर बंदे लोग कितनी सैलरीज कमा रहे हैं कितने पैसे में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी है घड़ियां सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी हैं गाड़िया कौन सी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं लेकिन आप सोचें कि हिंदुस्तान का यह मुद्दा कितना हॉट है कि फोर्ब्स मैगजीन जैसा मैगजीन जो सिर्फ अमीरों की बातें करता है उसको आज इस तरह की एक ह्यूमन एंगल की स्टोरी करनी पड़ी दे हैव डन अ स्टोरी ऑन मणिपुर और मणिपुर के अंदर उन्होंने जो स्टोरी की है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मणिपुर के अंदर रेप अगेंस्ट वुमेन जो है उसको यूज किया जा रहा है टू हश द वॉइस ऑफ कुकी ग्रुप यहां पे वो कहते हैं जी जो डोमिनेंट ग्रुप है वो मिटाई ग्रुप है और जो कुकी हैं बेसिकली क्रिश्चिय हैं और एक एथनिक क्लेंग की तरफ और जीनोसाइड की तरफ जो है जाया जा रहा है इनको इतना ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है जो ये मिटाए मर्द हैं ये इनको औरतों को ड्रैक करते हैं मारते पीटते हैं इनको रेप करते हैं और एक तो जगह पर तो इनको इतनी बुरे तरीके से कमरे में बंद करके मारा पीटा और रेप किया कि कुछ औरतों की डेथ हो गई कुछ और फिर उनकी जो है ये कर देते हैं वायरल कर देते हैं वीडियोस उनकी रेप की तो जो औरतें हैं जिनका कि बीबीसी ने भी कुछ दिन पहले वो कहते हैं जी इंटरव्यूज़ लिए थे वो कहते हैं जी हम इतने अशेम्ड हैं जब हमारी वीडियो सारे आ, जो अब कम्युनिटी के अंदर हैं और हम डरती फिर रही हैं और छुपती फिर रही हैं कि हमें हमारी कम्यूनिटी के लोग पकड़ेंगे और मारेंगे लेकिन ये जो ट्रामा है इसके साथ रहना जो है बड़ा मुश्किल है यूनाइट नेशन्स ने भी इन सारी वायलेंसेज वायलेंसेज के ऊपर देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि आपको इस सब चीज़ के ऊपर देखने की जरूरत है और जो परपिट्रेट हैं उनको जो है आप सजाएं दें, लेकिन अभी तक वो कहते हैं जी लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पे हो और ये बल्कि यहाँ पे इनसाइट किया जा रहा है वायलेंस अगेंस्ट कुकी और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं हाउ माचा हटलो यानी कि ये जो स्मेली ट्राइबल किड्स हैं इनको मर जाने की ज़रूरत है तो ये जनाब आज फोर्ब्स की रिपोर्ट है और वो कहते हैं जी कि ये मे 2023 से जब से झगड़े चल रहे हैं इनके बीच में 160 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं 300 इंजर्ड हैं उन इंजर्ड में से भी बहुत सारे मर गए हैं हज़ारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं फार्मलैंड्स क्रॉप्स लाइवलीहुड्स सब के सब बर्बाद हो गए हैं और औरतों के खिलाफ रेप जो है वो उसी तरह चलाया जा रहा है अच्छा जनाब आज हमारे सलू भाई जो है उन्होंने अपने वालिद साहब सलीम खान को उनकी एटी एट बर्थडे पे जो है बड़ी प्यारी विशेष दी और देखा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं वो बैठे हुए हैं एक ना जो है एक किसी फार्म हाउस टाइप में पीछे घर नजर आ रहा है कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं और किसी चीज़ की तरफ ये देख रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हैप्पी बर्थडे माई टाइगर टू के भी एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि वो अपने बाप का बहुत ज्यादा सत्कार करते हैं एहतराम करते हैं और उनको लगता है कि उनकी एज में उनको भी वैसा होना चाहिए क्योंकि सलीम खान साहब आज भी एटी एट एज में भी वो कहते हैं जी थ्री राउंड्स लेते हैं बैंड्रा बैंड स्टैंड के और पायलट्स करते हैं योगा करते हैं वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो कहते हैं जी ही इज माई कूलस्ट डैड तो बाकी के इंडस्ट्री के लोगों ने भी आज इनको बहुत सारी दी है जी। ठीक है जी। और जनाब मनोज बाजपाई साहब जो है उनका वन मिनट और थर्टी सेकंड का न्यूज उनकी अपकमिंग फिल्म है जोरम उसकी आ गई है ट्रेलर और उस ट्रेलर में देखा जा रहा है कि वो अपना छोटा सा एक बच्चा जो है उसको लेके भागते फिर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और उन्होंने अपने जो है एक्स के ऊपर लिखा कि जी मैं तो जो है डेंजर से बच रहा हूं और अपने बच्चे को मैंने क्लोजली पकड़ा हुआ है और अल्टीमेट क्वेश्चन जो है सर्वाइवल का है तो ये फिल्म जो है सिनेमाज में आएगी दिसंबर 8 को इसमें जो पुलिस वाला है वो निशान अयूब है आ, हमारा निशान नहीं <laughs> इंडियन फिल्म स्टार निशान जो कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जनाब आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि जो सुब्रतो रॉय जो सहारा के ओनर हैं उनकी डेथ हो गई थी बड़े आइकॉनिक पर्सनालिटी थे वो भी रैग्स टू रिचेस वाली उनकी स्टोरी थी तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक बायोपिक आ सकती है और उसके लिए अनिल कपूर और बमन ईरानी साहब को कहा जा रहा है कि आपको हम रोप इन करना चाहते हैं प्रोड्यूसर संदीप सिंह एंड डॉक्टर जयंती लाल गड्ढा और डायरेक्टर जो हैं सुदीप्तु सेन वो चाहते हैं इनके ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए लेकिन जब उन्होंने अनिल कपूर को कहा तो वो ज़रा उनकी रिजर्वेशन हैं क्योंकि वो कहते हैं जी इनके खिलाफ लोगों के बड़े ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं तो मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट और बड़ी कंट्रोवर्सीज अभी भी चल रही हैं बमन ईरानी से अभी तक बात नहीं हुई है लेकिन हो सकती है और इस फिल्म का म्यूजिक देंगे ए आर रहमान और वो कहते हैं जी कि ये जो अगर ये दोनों नाम माने बड़े स्टार तो फिर किसी छोटे स्टार को लेना पड़ेगा लेकिन हो सकता है कि रॉय साहब की फैमिली को ये अच्छा ना लगे रॉय साहब की ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ बनाई जाएगी इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रैक्स टू रिच स्टोरी था इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था सहारा और इसने एम्प्लॉय किए थे 1.2 मिलियन मिलियन लेकिन इसके बाद फिर एक मल्टी स्कैम आ AH तो मुकदमे और ये सब चीजें थे ये चल रहे थे 1948 में बिहार में पैदा हुए थे एंड ब्रॉट अबाउट सहारा इनका जो प्रोजेक्ट था और दैट बिकेम इंडिया बिगेस्ट कॉन्ग्लॉमरेट उन 29 नाइन ईयर्स की एज में इसका जो कैपिटल था आ, वो करोड़ों को टच कर रहा था और आप सोचते हैं कि उन्होंने ये कंपनी सिर्फ 2000 इंडियन रुपीस के साथ स्टार्ट की थी लेकिन फिर कुछ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इरेगुलरिटीज़ इसके अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज फाइंड आउट की इन 2011 और उसके बाद इनको पकड़ने की कोशिश की और देख इनको पता चला कि ये जो थे इन्होंने 30 मिलियन लोगों से 3.9 बिलियन यूएस डॉलर्स जो थे वो रेज किए थे और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे किया था टू की जो फर्ब्स लिस्ट थी उसने कहा था कि सुब्रोतो रॉय की जो नेट वर्थ है इट इज़ टेन बिलियन यूएस डॉलर्स लेकिन ये जैसे तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को फिर पैसा वापस किया कितना किया मजद भाई बिलियन डॉलर पच्चीस हजार करोड़ है जी पच्चीस हजार करोड़ जो कि फिर जाहिर है कि वो जो आ, है इनका सिक्योरिटीज uh, एक्सचेंज जो है सेबी उनके पास ये पड़ा हुआ है और अब लोग जो है उन्होंने बड़ा शोर में चाहिए प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि ये जो पैसा वहां पे पड़ा हुआ है सेबी के अंदर वो वहाँ से लेके उनके जो पैसे इन्होंने लिए थे और अभी तक उसके ऊपर प्रॉफिट्स इनको नहीं मिले इनको दिए जाए ठीक है है जी यानी इतना बड़ा सोचो जरा कितना बड़ा बंदा पच्चीस करोड़ इसने इंडियन गवर्नमेंट को देने थे आपको कितना चाहिए मिलियन डॉलर इसको कहते हैं अमीर लोग जिन्हों के पाकिस्तान मिलियन, मिलियन डॉलर है ना अपने आपनों अमीर समझते हैं अच्छा है दस साल से इनके ऊपर था इनकी गर्लफ्रेंड को शूट करने का टॉयलेट का जो टॉयलेट जो था इनके घर में साउथ अफ्रीका में वहां पर तो अब इनको कहा गया है जी इनको अब रिलीज कर दिया जाएगा जनवरी फिफ्थ को लेकिन फिर भी इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा

बहुत अरसे से आपको पता ही है मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ से ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे लेकिन इन्होंने एक्सपेक्ट कहा कि वे इट वाज अ ट्रू ऑनर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इनकी 121 ट्वेंटी वन थी ओडीआई टी ट्वेंटी के अंदर उन्होंने कहा कि दिस वाज ऑल ड्रीम कम ट्रू मीन ऑफकोर्स किसी नेशनल टीम के लिए कुछ भी खेलना मजद पाए इट इज एप्सल्यूर ऑनर एब्सोल्युटली ऑनर ठीक है जी एंड जनाब एब्सोल्युटली अगर लास्ट न्यूज जो है इंडिया जो है वो अपनी हार मुझे लगता है वर्ल्ड कप की अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं कर सक रहा है रोज कोई ना कोई मुद्दा उन्होंने किया होता है रोज कोई ना कोई मुद्दा अच्छा जी वो बेचारा हमारा मोहम्मद रिजवान था उसने जी वो सजदा ले लिया कि दस विकटों से जीते थे तो उसके ऊपर जी बड़ा शोर मचाया कि भाई इसने सजदा क्यों लिया और उसने बोल दिया कि मैं अपनी जीत जो है पेलस्टींस के नाम देता हूँ तो जी पलस्तिनियंस का नाम क्यों लिया अच्छा जी होना कि नवा कट्टा खोल देता है और एक कट्टा तो सही खोलिया કે કે ઉનહોને બડા બેશ કીતા ઇનાનુ ઓસ્ટ્રેલિયન્સ ને ઓસ્ટ્રેલિયન અચ્છા જી ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેયર જો હે મિચલ મોશ ઉનકે ખિલાફ જી અબ એક એફઆર લખાઈ ગઈ હે આફ્ટર યે જબ જીતે હે નોવેમ્બર 9 કો ફાઈનલ અમદાવાદ કા જો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ થા વહા પે તો ઇનકે ખિલાફ જી અબ લીગલ એક્શન લેને કે લિયે કહા જા રહા હે ઓર ઇનકો નોટિસ જો હે વો bheji bhi gayi હે આ યે યે વો હે કે ઇનહોને जो थे ये मिशन मार्च इनके ऊपर आरटीआई के एक, एक एक्टिविस्ट हैं पंडित केशव यूपी के अंदर उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा किया उन्होंने कहा जी कि मैं देख रहा हूं कि इसने जो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी थी उसके ऊपर ये पैर रख के बैठा था पैन उन्होंने ट्रॉफी है और जो मर्जी करो तो थानू तो मिली नहीं ना की तकलीफ है वो वो जो है जो हमारा टी देख रहे हैं वो देखेंगे तो वो कहते हैं जी इसने ट्रॉफी के ऊपर पैर क्यों रखा मतलब ये मुद्दा है ए दिस इज अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट या क्या, क्या, कि क्या किसी को मारा है पीटा है गाली दी है क्या हुआ है बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि ये उन्होंने इसने इंडियंस का जो आ, सेंटिमेंट है उसको बड़ा हर्ट किया है और ये कंप्लेन उन्होंने उस वक्त की कि जिस वक्त ये जो मोहम्मद शामी जो इंडियन बॉलर हैं उन्होंने भी कंप्लेन किया था कि ये जो इसने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि शायद ये ट्रॉफी हमें भी मिल सकती है पैन मिलती तो तुम ही रख लेंगे उन्होंने मिली उन्होंने रख लेता है जी इसके ऊपर अब बड़ा मुद्दा है अब उन्होंने नोटिस भेजा जी मिशल मार्च को और ये भी उन्होंने कहा है जो केशव साहब है उन्होंने